गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं 4 टाइप्स की पुदीने, धनिया और मिर्ची की चटनी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरी न्यू वीडियोस जो हैं आप तक आती रहें। तो चलिए स्टार्ट करें। सो मैंने यहाँ चटनी के लिए पुदीना ले लिया है और यहाँ धनिया ले लिया है, एक नींबू है, नमक जो है वो स्वाद अनुसार ले लेंगे, और मैंने 1.5 टीस्पून अनारदाना लिया है, 5 to 6 जो है ग्रीन चिली ले ली है, 1 छोटी बाउल कर्ड ले लिया है। सो हमारा लेमन जो है इसका जूस निकाल लेंगे। धनिया, पुदीना और मिर्ची को अच्छे से साफ कर लेंगे। सो गाइस, धनिया, पुदीना और मिर्ची जो है वो मैंने इसमें डाल दी है, और इसे हम अच्छे से जो है ग्राइंड कर लेंगे। ये देखो गाइस, ऐसा ही स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। इसमें मैंने नमक अभी ऐड नहीं किया है। हमें ध्यान रखना है कि हमें इस मिक्सचर में नमक जो है वो ऐड नहीं करना है। हम ये मिक्सचर जो है वो 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। सो गाइस, मैंने थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डाला है। अब मैं इसमें अनारदाना डालूंगी, ये हमारी पहली चटनी बनेगी। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि हमारा अनारदाना जो है वो अच्छे से इसमें ग्राइंड हो जाए। सो गाइस, हमारी फर्स्ट चटनी जो है वो एकदम रेडी हो गई है। सो हमारी दूसरी चटनी के लिए सेम ही धनिया, पुदीने और मिर्ची का मिक्सचर जो है वो हम ले लेंगे। सो इसमें लेमन जूस जो है वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारी दूसरी चटनी जो है वो रेडी है। सो गाइस, अब हम अपनी तीसरी चटनी जो है वो भी रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया, पुदीने और मिर्ची का मिक्सचर जो है वो ले लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे। अब इसमें 1 स्पून कर्ड जो है वो हम ऐड कर लेंगे। सो गाइस, हमारी तीसरी चटनी भी रेडी है। सो रेस्ट ऑफ द चटनी जो है उसमें नमक ऐड नहीं करेंगे, और उसे हम फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। ये हमारी 5 से 6 दिन तक चलती है। इसे ग्लास बाउल में या मिट्टी के किसी बाउल में हम स्टोर करके रख सकते हैं, बट ध्यान रखें नमक नहीं ऐड करना है। सो गाइस, ये है हमारी 4 प्रकार की चटनियाँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। सो ये हमारी अनारदाने की चटनी है, इसमें थोड़ा प्याज से हम गार्निश कर लेते हैं। ये हमारी सिंपल चटनी है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ नमक ऐड किया है। तो ये हमारी तीसरी चटनी है, इसमें हमने धनिया, पुदीना, नमक और नींबू ऐड किया है। ये हमारी 4th चटनी है, जिसमें हमने दही ऐड किया है। गाइस, ये चारों चटनियाँ ही बहुत ही टेस्टी होती हैं। आप इन्हें नॉन वेज के साथ खाएं या वेज के साथ खाएं, किसी भी फास्ट फूड के साथ खाएं, ये बहुत ही लजीज लगती हैं। आप इसे ज़रूर घर पर बनाएं। सो माय डियर व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।